So, good morning, students. Myself, Professor P. B. Engre, and today we have to conduct the lecture number 27. Okay. So, in last lecture, what did we discuss? We discussed about the first law of thermodynamics, then Joule's experiment. Okay. So, today, we have to discuss a very important topic. So write down the name of this topic: energy, a property of a system. Energy, a property of a system. Of system. बराबर है? क्या टाइटल है बच्चों? हमारा टाइटल है एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। मतलब एनर्जी जो है वो क्या है? एक सिस्टम की प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या है डेफिनेशन? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम और इट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज द प्रॉपर्टी। स्टेट मतलब उसका प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कौन सा है, ये सब चीज़ें क्या होती है? स्टेट होती है सिस्टम की। तो अब ये एक सिंपल डेरिवेशन है, ये हमारे ऊपर प्रूव करना है कि एनर्जी क्या है, एक प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक क्लोज सिस्टम कंसिडर कर रहा हूँ। क्लोज सिस्टम आपको पता है, क्लोज सिस्टम में क्या होता है? सिर्फ ओनली द एनर्जी विल बी एक्सचेंज बट नो मास विल बी एक्सचेंज। मास एक्सचेंज होता क्या? नहीं। इसी को कहते हैं हम क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी जाएंगी। अब एनर्जी जो है वो काय के फॉर्म में जाएंगी? एक तो हीट के फॉर्म में या फिर वर्क के फॉर्म में बच्चों, राइट। लेकिन मास एक्सचेंज होगा क्या? नहीं। दैट इज कॉल्ड एज द क्लोज सिस्टम। अब यहाँ पे हम क्लोज सिस्टम के लिए अप्लाई कर रही है कंसेप्ट, एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। तो देखिए, वेरी सिंपल डेरिवेशंस। अब यहाँ पे मैं एक क्लोज सिस्टम कंसीडर करता हूँ, उसके डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे मैं पीवी डायग्राम, लेट्स आई ड्रॉ द पीवी डायग्राम। एक मैंने पीवी डायग्राम बना ली, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। यस और नो? यस। अलोंग द वाई एक्सिस प्रेशर एंड अलोंग द एक्स एक्सिस वॉल्यूम इज कंसीडर। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? बार। और वॉल्यूम का यूनिट क्या हो गया? मीटर क्यूब। या फिर प्रेशर का यूनिट हमारे पास में रहता है न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर या फिर किलो पास्कल। वॉट एवर द डाटा विच इज गिवन इन द प्रॉब्लम वी हैव टू राइट डाउन देयर्स। अब यहाँ पे मैं क्लोज सिस्टम कंसिडर कर रहा हूँ, तो हमारे को पता है जब मैं क्लोज सिस्टम कंसिडर करूँगा, सपोज यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया बच्चों वन। अब ये स्टेट एक मैंने ले लिया, यहाँ पे स्टेट वन इज कंसिडर। बराबर है? यहाँ पे एक मैंने स्टेट लेने के बाद में अब यहाँ पे अगर एक्सपांशन हो जाएगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर क्या है यहाँ पे? अभी ज़्यादा है। एक्सपांशन अगर होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। और एक्सपांशन अगर होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। अब देखिए, सपोज यहाँ पे ये सिस्टम एक्सपांड हो रही, अब ये एक्सपांड हो गई इन दिस वे, इस प्रकार से हो गई। ये आ गई यहाँ से वन से लेके तो टू तक, ये मैंने नाम दे दिया उसको। किस तरह का पाथ है ये वाला, इसको नाम दिया मैंने ए पाथ। बराबर है? समझे? अभी ये हमारा कॉलेज है, पोटे इंजीनियरिंग कॉलेज, पोटे इंजीनियरिंग कॉलेज। बराबर है? ये है सपोज राजकमल चौक। अब राजकमल चौक से हम बहुत सारे मार्ग से आ सकते हैं, इरविन से आ सकते हैं, या फिर हम राजकमल से डेपो में से भी आ सकते हैं, या फिर हम विद्यापीठ का जो रोड आता है बीच में कलेक्टर ऑफिस का, उससे भी आ सकते हैं। बराबर है? मतलब हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट पाथ है, डिफरेंट डिफरेंट पाथ से हम हमारे पोटे इंजीनियरिंग कॉलेज में आ सकते हैं बच्चों। बराबर है? अब यहाँ पे देखिए, ये पहला जो स्टेट निकला ये चेंज हुआ वन से टू, कौन से पाथ में निकला? ये ए से। अब आप कॉलेज में आ गए अलग अलग पाथ से, फिर आप घर पे जाएंगे, कॉलेज में रहेंगे क्या? नहीं। फिलहाल तो कॉलेज बंद है अभी, लेकिन जब चालू हो जाएगा आप कॉलेज में आएंगे, बाद में अपने घर पे जाएंगे। अब घर पे अगर आप जाएंगे तो ऐसा जरूरी है कि आप यही पास से जाए? नहीं। आप
इस तरह से आए, आपने सोचा कि मैं अभी इरविन के तरफ से आऊँगा, लेकिन जाते समय मैं मेरे दोस्त को लेके जाऊँगा और उसको मैं मुझे डेपो में ड्रॉप करना है, यहाँ पे बस स्टैंड है सपोज, तो मैं फिर ये रोड से जाऊँगा, बराबर। या अगर आप सोचें कि भाई मुझे कॉलेज में आ गए, घर पे जाते समय मैं विद्यापीठ में जाऊँगा, विद्यापीठ होके फिर मैं ये कलेक्टर ऑफिस के थ्रू अपने घर पे पहुँच जाऊँगा, यस और नो? यस, वी हैव टू डिफरेंट चॉइसेस टू रीच अवर हाउस फ्रॉम अवर कॉलेज। अब ये पास से हम आए और ये पास से हम घर पे चले गए, इधर से सपोज वी गो लाइक दैट, वन ए ये बी, इसको मैंने बना दिया बी, बराबर है। या फिर हम इससे भी जा सकते, एक दूसरा मैं पाथ यहाँ पे बना लेता हूँ, इसको नाम दे दिया मैंने बच्चों एक सी। इस तरह से मैंने डायग्राम बना ली, पीवी डायग्राम, स्टेट, स्टेट चेंज हो रहा कहाँ से, वन से टू तक, बाद में फिर कैसी प्रोसेस है, रिवर्सिबल, वापस जाना मतलब क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल जो होगा वो बी से भी जा सकता है या फिर सी सी पे जा सकता है, कौन सा भी वो पाथ चूज कर लेगा, विच रिस्टोर टू इट्स इनिशियल स्टेट। ओके गाइज, तो देखिए अभी यहाँ पे कंसेप्ट आपके समझ में आ गया, तो अभी यहां पे मैं पहला पाथ कंसीडर करता हूं, सपोज पाथ वन ए, वन ए टू बी वन, बराबर है। मतलब हम यहां से निकले, वन से हमारी स्टेट एक्सपांड होगी, वन ए टू पे हम पहुंच गए, बराबर है। टू पे आने के बाद में फिर हमने सोचा कि हम सी से नहीं जाएंगे, हम बी से रास्ता पकड़ के चल जाएंगे, पाथ पकड़ के, तो वन ए टू और बी से हम हमारी इनिशियल पोजीशन पे जाके रीच हो गए। ओके, सो वी हैव टू कंसीडर दिस पाथ वन ए टू बी वन। सो फॉर दिस क्लोज सिस्टम, सिस्टम कैसी है, क्लोज है बच्चों, क्लोज लूप है, ओपन लूप है क्या, नहीं। सो फॉर दिस क्लोज सिस्टम वी हैव टू अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो लेट्स फोकस हियर बाय कंसीडर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ मैंने लगा दिया बच्चों, तो फर्स्ट लॉ हम पढ़ चुके हैं, क्या है फर्स्ट लॉ, इन अ साइक्लिक प्रोसेस, साइकिल चल रही है यहां पे, इन अ साइक्लिक प्रोसेस नेट अमाउंट ऑफ अ वर्क इज इक्वल टू द नेट अमाउंट ऑफ हीट, और नेट अमाउंट ऑफ अ हीट इज इक्वल टू द नेट अमाउंट ऑफ द वर्क, ये पता है बच्चों, यस yes. तो वही फर्स्ट लॉ मैं यहाँ पे लगा रहा हूं, देखिए साइक्लिक प्रोसेस है, तो इंटीग्रेशन मेरे पास में आ गया, उसके बाद में कौन सा सिंबल आया हमारे पास में, डेल क्यू, बराबर है। अब डेल क्यू हमारे पास में सिंबल आ गया, डेल क्यू लगाया मैंने क्योंकि पाथ फंक्शन क्या है हमारी, हीट और वर्क, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, डेल्टा आ गया, और इंटीग्रेशन। तो अभी देखिए पहले प्रोसेस मैं कंसिडर करता हूं, ये 1A के लिए है, जब हम आ रहे हैं 1A, तो 1A कैसे आ गए, 1A 2 तक, तो फिर सिस्टम कहाँ से चेंज हो रही, 1 से लेके तो 2 तक सिस्टम चेंज होगी, डेल क्यू प्लस। अब देखिए यहाँ पे स्टेट कैसी चेंज हो रही, 2 से 1 तक, तो फिर मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया 2 से 1, बराबर है। ये है डेल क्यू ए, ये कौन सा सिस्टम हो जाएगा बच्चों, डेल क्यू बी, एकदम इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है, इजी इक्वल टू। अब ए के लिए देखिए डेल क्यू बराबर क्या रहता है, डेल डब्ल्यू। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर प्रोसेस वन टू टू क्या आएगा, डेल डब्ल्यू ए प्लस वन टू, वन टू टू आएगा क्या, अभी नहीं, टू टू वन डेल डब्ल्यू बी, ये इक्वेशन हमारे को मिल गया बच्चों यहाँ पे, फॉर पाथ वन ए टू बी वन के लिए। अब ये इक्वेशन में मैं थोड़ा कुछ मैथमेटिकल एडजस्टमेंट करता हूँ, सिंपल मैथ है, तो देखिए गाइज यहाँ पे, सो वन टू टू डेल क्यू ए
अब इसके लिमिट्स अगर मैंने चेंज कर डाले, नीचे मैंने 1 लाया, ऊपर 2 लाया, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस। ये पढ़े आप 11वीं 12वीं में, तो ये हो गया डेल क्यू बी। सिर्फ मैंने क्या चेंज किया है, लिमिट्स को इंटरचेंज किया, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ गई। इज इक्वल टू, इसको मैंने एज इट इज रखा, यहाँ पे भी लिमिट्स मैंने चेंज किए, तो ये हो गया 1 to 2 डेल डब्ल्यू बी बॉयज। बराबर है, यू कैन अंडरस्टैंड? यस। अब देखिए इसको मैं क्या करता हूं, अब ये टर्म मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो देखिए अभी 1 to 2 डेल क्यू ए, ये टर्म इधर आ गई, तो क्या हो जाएंगी? माइनस 1 to 2 डेल डब्ल्यू ए। इसको मैं उधर लेके जाता हूं, तो ये क्या हो जाएंगी? प्लस 1 to 2 डेल क्यू बी प्लस, है क्या ये? नहीं, माइनस 1 to 2 डेल डब्ल्यू बी। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1। बच्चों समझ में आ गया? ओके। अब समझ में आने के बाद में अब इधर देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था हमारे पास में? डेल क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस डेल डब्ल्यू। तो फिर डेल क्यू बराबर कितना हो गया बच्चों? डेल डब्ल्यू बराबर डी ई। बराबर है, ये हमने पढ़े थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि उसके अंदर क्या रहती है? टोटल एनर्जी रहती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मीन्स डेल क्यू इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। अब ये डी ई इसके पास में आ जाएंगे, एनर्जी, टोटल एनर्जी, इंटरनल, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो अब ये जो मेरे पास में पैरामीटर है ये वाला, बराबर है, तो मैं इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ बताइए? ये इक्वेशन से यहाँ पे आ जाएगा डी ई ए, बराबर है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा डी ई बी। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर ए। बच्चों समझ में आया सबको? यस। सो आफ्टर गेटिंग दिस, अब देखिए मैं कौन सा पाथ कंसिडर करता हूं, इसको वैसे के रहने देते इक्वेशन ए को, इसको मिटा देते अभी। अब हमने सोचा कि अब हम डेपो से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे अभी कलेक्टर ऑफिस के थ्रू, विद्यापीठ, विद्यापीठ से आरटीओ, आरटीओ से कलेक्टर ऑफिस होके घर पे। तो अब इसने पाथ चूज किया कौन सा आने वाला, तो ठीक था 1A 2, घर से निकले, पोटे कॉलेज में आ गए। फिर हमने सोचा अभी सी से जाते, इधर से थोड़ी जाएंगे हम, तो अभी पाथ कौन सा हो गया फिर? 1A 2 C 1, ये पाथ इसने चूज कर लिया बच्चों, राइट। तो फिर देखिए, फिर सेम बाय कंसीडर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो देखो फिर अप्लाई करो वंस अगेन। पहली प्रोसेस 1 to 2 डेल क्यू ए प्लस इंटीग्रेशन, अब ये 2 to 1 डेल क्यू सी इज इक्वल टू 1 to 2 क्या आएगा? डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू ए प्लस ये बच्चों 2 to 1 डेल डब्ल्यू बी। कुछ हार्ड है क्या? नहीं, कुछ भी हार्ड, एकदम सिंपल है। तो अभी देखिए 1 to 2 डेल क्यू ए, लिमिट्स चेंज, तो माइनस हो गया। फिर 1 to 2 डेल क्यू सी, 1 to 2 डेल डब्ल्यू ए, लिमिट्स चेंज, तो माइनस 1 to 2 डेल डब्ल्यू बी। बच्चों नहीं, सी यहाँ पे, यहाँ पे सी है, राइट। अभी इसको चेंज करो इधर, तो ये आ गया फिर 1 to 2 डेल क्यू ए माइनस 1 to 2 डेल डब्ल्यू ए इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाते हैं, तो फिर 1 to 2
डेल क्यू सी माइनस 1 to 2 डेल डब्ल्यू सी बच्चों, बराबर है। अब ये इक्वेशन मिल गया, अब ये इक्वेशन मिलने के बाद में फिर हम इसके लिए क्या लिखेंगे वापस, देखिए डी ई ए बराबर इसके लिए बच्चों डी ई सी इक्वेशन नंबर बी, राइट। तो इक्वेशन ए को और बी को देखिए, इक्वेशन ए और बी देखेंगे तो क्या हो रहा है यहां पे, अभी ये साइड सेम है, इसके बराबर ये है, तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं फिर बताइए स्टूडेंट्स, फाइनली हम लिख सकते हैं तो फाइनली हम सबको क्या लिखेंगे, मैं यहां पे लिख रहा हूं भी, हाँ फाइनली हम सबको इक्वल लिखेंगे, डी ई ए डी ए बी इज इक्वल टू डी ए सी। तो इसके ऊपर से क्या समझ में आ गया आपको, इसके ऊपर से हमारे को यह समझ में आ गया कि एनर्जी जो है, एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द विच पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, उस पर डिपेंड नहीं है, वो किस पे डिपेंड है, इट इज डिपेंड अपॉन द स्टेट, फॉर विच स्टेट इट डिपेंड अपॉन ऑन दिस पर्टिकुलर्स, इट इज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द विच पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, क्योंकि सबका जो एनर्जी आया वो कैसा आया, सेम आया, डी ई जितनी है उतनी डी ई बी जितना डी ई सी, तो यही हमारा डेरिवेशन है, एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, एनर्जी डज नॉट अ पाथ फंक्शंस, इट इज अ प्रॉपर्टी, ओके प्रॉपर, पाथ बोले तो पाथ फंक्शन किसके लिए आ गया, ये हीट और वर्क के लिए आ गया, इसके साथ में तो नहीं सोचेंगे हम, तो एनर्जी जो क्या होगी फिर, प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, मतलब एनर्जी जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं है, कौन सी पाथ फॉलोड कर रही सिस्टम उस पे डिपेंड है क्या, नहीं, उस पे अगर डिपेंड रहते थे तो फिर ये वैल्यू एक बराबर आती थी सबकी, नहीं ये वैल्यू कैसी आती थी, अलग अलग आती थी, लेकिन सबकी वैल्यू कैसे आ गई, सेम। तो ये सिंपल डेरिवेशन हमारे को यहाँ पे दिया है, तो इसलिए फिर हम एनर्जी को क्या कहेंगे, एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन और स्टेट फंक्शंस, स्टेट फंक्शन बट नॉट पाथ फंक्शंस, पाथ फंक्शन है क्या, नहीं, पाथ फंक्शन अगर रहता था तो इनकी वैल्यू क्या होती थी बच्चों, चेंज होती थी, यस और नो, यस। ठीक है, तो फिर अभी देखिए मैं एक बार और आपको सिंपली समझा के देता हूं, आपको क्या क्या ध्यान में रखना है इसके अंदर, आपको ध्यान में रखना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वी नो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस डेल डब्ल्यू, उसके बाद में ये मैंने क्लोज सिस्टम अज्यूम की, इसके अंदर मैंने तीन प्रोसेस कंसिडर किया, तीन पाथ कौन से, ए बी और सी, पहला हमने लिया 1A 2C 1A 2B 1 और दूसरा लिया हमने 1A 2C 1 बच्चों, और ये पूरा देख के हमने उसके ऊपर से क्या बना, एक सिंपल डेरिवेशन बना दिया, ठीक है। और डेरिवेशन कुछ इतना हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल डिपेंड्स है डेरिवेशंस, यस और नो, यस। सो अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं परपेचुअल मोशंस, ओके, दिस इज आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, परपेचुअल मोशंस, ओके, एंड देन आफ्टर दैट वी हैव टू स्टार्ट अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, नॉन फ्लो प्रोसेस, मीन्स द रिमेनिंग टॉपिक इज 2, परपेचुअल मोशन एकदम छोटा टॉपिक है और नॉन फ्लो प्रोसेस जो है वो थोड़ा बिग है, उसके अंदर हमारे पास में प्रोसेस है कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसोट्रॉपिक प्रोसेस, उसके कुछ डेरिवेशन है जो बहुत ही IMP है रिगार्डिंग द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो नेक्स्ट लेक्चर वी हैव टू फोकस द परपेचुअल मोशन एंड नॉन फ्लो प्रोसेस, ओके। सो आई होप यू शुड अंडरस्टैंड दिस डेरिवेशन वेरी वेरी इजी, IMP डेरिवेशन है, हमेशा आता है 7 मार्क के लिए, 7 मार्क के लिए आया, डायग्राम निकालना, थोड़ा एक्सप्लेनेशन निकालना और ये डेरिवेशन प्रूव करना बच्चों इस तरह से, ओके। सो आई स्टॉप हियर, इफ यू लाइक माई वीडियोज सो प्लीज शेयर माई वीडियोज विथ यूर फ्रेंड्स एंड अदर कॉलेज फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टू प्रेस द बेल आइकॉन बटन्स, सो स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।